नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान रोडवेज भर्ती के 5200 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर दोस्तों स्टूडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5200 पदों पर राजस्थान रोडवेज में नई भर्ती को लेकर ऐलान हो चुका है। घोषणा इसकी कर दी गई दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म, 10वीं पास योग्यता के साथ ये भर्ती रहेगी। हालांकि 12th पास भी इसमें कुछ पद आएंगे LDC के। दोस्तों, परीक्षा तिथि, उम्र सीमा, पूरी जानकारी शुरू मिलेगी सिलेबस को लेकर भी दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरे जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान रोडवेज की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आप ट्वीट भी दे सकते हो उपेन यादव का, दोस्तों रोडवेज विभाग में जल्द 5200 पदों पर भर्ती संभव, वित्त विभाग ने अनुमति मिलने का इंतजार। रोडवेज में 52,000 पद चल रहे हैं रिक्त, विभिन्न कैंडर में होंगी भर्तियां, चालक परिचालक के साथ टेक्निकल ग्रेड में होंगी भर्तियां। राजस्थान रोडवेज MD नथमल जी ने डिटेल से बताया कि राज्य में सरकार को ये जो नोटिस है वो भिजवा दिया गया है था दोस्तों आचार संहिता से पहले ही। तो ये जो भर्तियां हैं दोस्तों आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। रोडवेज में खाली पद चल रहे हैं दोस्तों, 5200 के आसपास पद खाली हैं। इसमें देखिए 5000 से अधिक पद हैं, कंडक्टर के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं दोस्तों, LDC सहित अन्य पदों पर भर्ती होंगी। LDC के जो पद रहेंगे दोस्तों वो आपके 12th पास पर रहेंगे, बाकी के आपके ड्राइवर और कंडक्टर के 10वीं पास भर्ती रहेगी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद दोस्तों भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों इसका नोटिफिकेशन अब आपका आचार संहिता के बाद दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी तक दोस्तों ये भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान रोडवेज में 12,000 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, सूचना मिला 10,000 पद रिक्त चल रहे हैं। रोडवेज प्रशासन ने राज्य सरकार से 5200 पदों पर भर्ती को लेकर पत्र लिखा था। आचार संहिता से पहले ही दोस्तों इस भर्ती को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सफाई कर्मचारी की भर्ती है, आपकी चपरासी की भर्ती है, और ये राजस्थान रोडवेज के अलावा आपकी दोस्तों काफ़ी सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों रोडवेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी अपडेट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो शेयर जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें 10वीं के हिसाब से सिलेबस रहेगा दोस्तों, राजस्थान जी के 60% नई राजस्थान जी के आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश ऐसे आपके मेन सब्जेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों इसका संपूर्ण सिलेबस जल्दी आएगा। 10वीं पास के साथ आपकी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। अगर आप कंडक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप कंडक्टर के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप किसी का ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। बाकी आप दोस्तों इसमें कंडक्टर के लिए सिर्फ 10वीं पास योग्यता ही चाहिए, और LDC में 12th पास योग्यता वाले विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 12th के साथ RSCRT कोर्स भी होना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।